हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट जनरल स्टोर बिजनेस। जनरल स्टोर बिजनेस की बात करें दोस्तों, तो हर घर में जनरल सामान जो बिकता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, जिसे हम खाते हैं या फिर हम उसे लगाते हैं यानी कि इस्तेमाल करते हैं, तो ये हर घर की नीड है और हर घर में 100% घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ को जिसके हम बेचते हैं, जनरल स्टोर शॉप करते हैं। अब जनरल स्टोर और किराना स्टोर में क्या अंतर होता है, ये चीज़ आप जान लें एक मिनट में। देखिए, किराना स्टोर में आप राशन रखते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, बेसन हो गया, मैदा हो गया। इसके अलावा ड्राई फ्रूट रखते हैं, जैसे किशमिश, बादाम, छुहारा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और छुट्टा तेल, छुट्टी चापत्ती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे आपको केजी के भाव में यानी जोखना तौलना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को किराना स्टोर में रखा जाता है। और किराना स्टोर में जनरल प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। लेकिन हमें जनरल स्टोर में ये सारी चीज़ें नहीं रखनी होती, हमें वो चीज़ें रखनी होती है जो पैक हो, यानी चीनी पैक रख सकते हैं, चाय पत्ती पैकेट में ही आती है, तो तेल रिफाइंड जो होता है वो पैकेट और बॉटल में ही आता है। इसके अलावा साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, सभी कंपनियों के टूथपेस्ट से लेके जितने भी जनरल आइटम है, स्टेशनरी से लेके बच्चों के डायपर्स, बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो जनरल स्टोर में आती है, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जनरल स्टोर में यही सारे प्रोडक्ट आते हैं। बहुत सारे हल्दी, धनिया, मिर्चा, सारी चीज़ें तो पैकिंग में आजकल आ गई है और वही सारी चीज़ें लेते हैं। तो किराना स्टोर में पैकिंग के साथ साथ ये सारी चीज़ें छुट्टा में भी उपलब्ध होती हैं, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा तौलने और वाला सामान होता है, पैकिंग करना पड़ता है। बट जनरल स्टोर जब हम खोलते हैं तो इसमें कॉस्मेटिक भी प्रोडक्ट आते हैं, साथ ही जनरल नीड के सारे प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। दोस्तों, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, तो ये इन्वेस्टमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला तो आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो होगा आपका इंटीरियर, यानी कि अगर आप मार्केट में या अपने गांव में जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं तो जो भी आपका कमरा होगा, जो भी मकान होगा, उसके इंटीरियर में जो भी खर्चा होता हो, यानी रैक्स और काउंटर का खर्चा, तो रैक और काउंटर में अगर ऑन एवरेज अगर बात किया जाए, तो अगर छोटे मोटे लेवल पे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 50 से 60 हज़ार में एक बढ़िया काउंटर और रैक दोनों बना सकते हैं, यानी 50 हज़ार रुपये मान के चलते हैं। और पहली बार प्रोडक्ट जब आप खरीदेंगे तो आपको 50 से 60 हज़ार रुपये हमें ये भी लगेगा, यानी अगर मोटे पे देखा जाए तो 1 लाख रुपए में आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सारे मेल रख सकते हैं जिसमें से 6 पीस, 4 पीस, 12 पीस, 8 पीस, 10 पीस, इस तरीके से सारे प्रोडक्ट आप रख सकते हैं, ठीक है। पेटी लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कुछ चीजें पेटी में ले सकते हैं, जैसे मैगी हुआ ले सकते हैं, ठीक है, और बिस्किट हुआ जो सबसे ज़्यादा बिकता है इसको ले सकते हैं, नमकीन ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप पेटी में नहीं लेंगे, ठीक है, जो कि महंगी और ठोस चीज़, जैसे खाने वाला तेल, लगाने वाला तेल, साबुन हो गया, डिटर्जेंट पाउडर, ये पीस में आप ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप पेटी में ले सकते हैं जिसमें आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। यानी कि पहली बार आप जब दुकान खोलें तो आप कोशिश करें कि आपके पास पूरे प्रोडक्ट होना चाहिए, एक मेल होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ना हो, कम ही हो, 6 पीस 8 पीस हो, लेकिन पूरा प्रोडक्ट हो, ठीक है। इन सब प्रोडक्ट में आपको 50 से 60 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट लगेगा, यानी 1 लाख रुपये में आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, इस बिज़नेस में फ़ायदा कितना है, मार्जिन कितनी होती है। तो मार्जिन की बात करें दोस्तों, तो कम से कम जो मार्जिन होती है जनरल प्रोडक्ट में वो 10% होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा होती है वो 30% होती है, यानी कि मिनिमम अगर हम मान के चलें 10 से 30 के, यानी 15% से 20% की मार्जिन आपको निकल के आती है जो आप कमाते हैं। अब यहाँ पे आप कितने महीने में कमाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका जो महीने का सेल है वो कितना है, उसी पे डिपेंड करता है कि आप महीने में कितना कमाएंगे। अब ये डिपेंड करेगा आपकी एरिया के ऊपर कि आपके एरिया में कितने लोग रहते हैं, गांव में हैं तो गांव में और भी दुकानें हैं पहले से या नहीं है, या मार्केट में हैं तो कैसी मार्केट है, पहले से बहुत सारी दुकानें हैं या आप अभी गए हैं तो किस तरीके से माहौल है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन लंबा समय अगर आइडिया बताएं तो 1 लाख रुपये अगर लगाते हैं तो महीने के आप 10 हज़ार से लेकर 15 हज़ार रुपये कमाना स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। इसके बाद जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी एक्सपीरियंस आपके पास होती है, कहाँ से सामान लें, कैसे लें, कौन सा सस्ता लें, कैसे बिकेगा, कस्टमर को कैसे पहचाने, कस्टमर को कैसे खींचे, कैसे आकर्षित करें, कैसे स्कीम रखें, कैसे ऑफर, ये सारी चीज़ें जब आप तब सीख पाते हैं जब बिज़नेस को आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे इसका प्रोडक्ट आपको लेंगे कहाँ से। देखिए, अब जब दुकान खोलते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि प्रोडक्ट हम खरीदेंगे कहाँ से। तो इसका प्रोडक्ट खरीदने के लिए दोस्तों आप अपने नज़दीकी की होलसेल मार्केट में, ठीक है, किराना जनरल स्टोर की, जो जनरल स्टोर के होलसेल जो लोग
बिजनेस करते हैं उनके यहाँ आप जाके अपने रिटेल दुकान के लिए अपना सामान ले सकते हैं। तो यानी कि शुरुआत में आपको अपनी नज़दीकी होलसेलर से ही प्रोडक्ट लेना है, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रेंज में वो होलसेलर मिल जाएंगे जो आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे क्योंकि इस बिज़नेस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम मार्जिन 10% और 10% उसी प्रोडक्ट में मार्जिन होती है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, यानी ब्रांड प्रोडक्ट जो कस्टमर सीधे आपसे मांगेगा और उसको वही चाहिए, उसके अलावा और उसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस वजह से 10% का मार्जिन बहुत कम होता है। छोटा मोटा प्रोडक्ट होता है, 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये वाले प्रोडक्ट ज़्यादातर बिकते हैं। बहुत बड़ी MRP आप बेच नहीं सकते हैं क्योंकि अगर शैम्पू बेचेंगे तो 1 रुपये वाला या फिर छोटा बाटल 30-40 रुपये वाला, चाय पत्ती 5 रुपये 10 रुपये 30 रुपये, मतलब जो भी चीज़ें आप बेचेंगे उसकी MRP जो होगी वो 50 से कम ही होंगी। ठीक है, तो आप बहुत बड़ी MRP तो बेचेंगे नहीं कि हर प्रोडक्ट पे आपको अच्छा फ़ायदा आएगा, तो 2 रुपये 4 रुपये 6 रुपये 10 रुपये यही आपको प्रॉफिट मिलने वाली। तो इस वजह से लोकल से ख़रीदारी करें और धीरे धीरे आपको खुद ही जानकारी हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से ले तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। अब जिस प्रोडक्ट की आपका डिमांड ज़्यादा होगा, जिस प्रोडक्ट को ग्राहक ज़्यादा मांगते होंगे या जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा बिक्री है आपके यहाँ, उसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदिए और सस्ता खरीदिए क्योंकि उसी में आपका ज़्यादा पैसा लगेगा, वही ज़्यादा बिकेगा तो उसी में ज़्यादा आप कमाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप अगर क्षेत्र में हैं तो आप जनरल स्टोर में थोड़ा बहुत गुटखा वगैरह रख सकते हैं, सिगरेट वगैरह रख सकते हैं क्योंकि ये भी आमतौर पर एक जनरल आइटम है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख सकते हैं, चिप्स कुरकुरे ये सारी चीज़ें तो रखनी होती हैं, तो चॉकलेट हो गया, बच्चों के बहुत सारे रेंज होते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि जनरल स्टोर के बहुत सारे प्रोडक्ट कितने हैं। और हमारे अगर मेन चैनल पे जाएंगे A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल, तो आप सर्च करिए A to Z कॉन्सेप्ट, आपको चैनल मिल जाएगा और बहुत सारी वीडियो उस पर मैंने इस रिकॉर्डिंग बिजनेस रिकॉर्डिंग मैंने डाली है, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसे देख के बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं। दोस्तों अगर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें रेड वाली बटन दबा के और बेल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब शॉर्ट्स ये जो मेरा नया चैनल है इसे जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और आप हमें A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब जो मेन चैनल है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हमें A to Z कॉन्सेप्ट को आप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।